हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग आ चुके हैं आरएस मोटर्स पर और अपनी ये वाइट जो है इंटेंसिटी वाइट R15 वर्जन 4 का रिव्यू बनाने के लिए। सो देख सकते हैं गाइस, आप लोग बाइक मेरे सामने खड़ी हुई है और जैसा कि इसका नाम है इंटेंसिटी वाइट, तो वैसे ही इसका कलर भी वाइट है। मतलब इसको गाइस मैं थोड़ा पर्ल वाइट बोलना चाहूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आए कि कौन सा वाइट है, क्योंकि कैमरा थोड़ा डिस्क्राइब नहीं करवा पाता है ठीक से। तो जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी, एनिवर्सरी एडिशन जो आई थी 60th वाली, उसमें गाइस वाइट कलर थोड़ा सा अलग था और इसका गाइस काफ़ी अलग है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर R15 वर्जन 4.0 लिखा हुआ है। ये सीधे एक लाइन में है खाली, मतलब ज़्यादा कुछ इस पर एक्स्ट्रा नहीं है और यहाँ भी जो लिखा हुआ है सेम उसी कलर से लिखा हुआ है। सो इस टाइप का है गाइस, इसलिए ज़्यादा मतलब इस पर कुछ नहीं लगा है, ना यहाँ पर कुछ लगा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरी प्लेन है। सो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस, क्लीन लग रही है बेसिकली, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बाकी इस बाइक में गाइस आप लोग को फ़र्क आप लोग देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सो काफ़ी ये गाइस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं देखने में और काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं इस बाइक को, मतलब काफ़ी अपीलिंग बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये अपनी MT-15 में आए थे। सो MT-15 का तो गाइस काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आया, लेकिन इस बाइक में स्पेशली अच्छा लग रहा है ये। सो अब बात कर लेना थोड़े बहुत फीचर्स की गाइस, तो गाइस इसमें ज़्यादा एज ऑल कुछ चेंज नहीं है, जैसे कि अपनी वर्जन 4 आ रही थी ब्लू कलर में, वैसे ही गाइस सब कुछ है इसमें, बेसिकली वैसी ही है, बस इसका कलर स्कीम चेंज है। सो फीचर्स मैं आप लोगों को थोड़े बहुत बता देता हूँ। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है आपको, क्विक शिफ्टर मिलता है और रियल टाइम माइलेज दिखाती है गाइस। बाकी बैटरी वोल्टेज, कूलेंट और टाइम वगैरह भी शो करती है सब कुछ, वो सब मैं अभी आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में दिखाऊंगा अपने। बाकी गाइस इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क मिलता है। सो जैसे कि आप लोग इधर तो नहीं देख सकते होंगे, उधर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ABS की रिंग दी हुई है आगे, इधर डिस्क है और पीछे भी गाइस सेम वही चीज़ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर गाइस डिस्क दी हुई है और ABS। सो डुअल डिस्क विद डुअल ABS और पीछे आप लोग देख सकते हैं निसन के ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं आपको इस बाइक में और इधर आपको आगे बाइबरी के मिलते हैं। बाकी इधर आ जाएँ तो आपको USD फोक्स मिल जाते हैं इस बाइक में भी, जैसे कि हर बाइक में मिल रहे हैं। सो ये सब है गाइस और काफ़ी मतलब लुक अच्छा बना रहे हैं, अगर आप लोग देखें ऑरेंज और गोल्डन मिल के, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी इसमें अब आपको थोड़ा सा मैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इसका दिखा देता हूँ, सो की आपको बेसिकली इस टाइप की मिलती है और इस टाइप से स्टार्ट होता है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर न्यूट्रल, साइड में न्यूट्रल, बीच में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, ऊपर RPM मीटर मिलता है। बाकी नीचे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को टॉगल कर दिखाता हूँ, पर आप लोग देख सकते हैं बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है, 12.37 डिग्री कूलेंट टेम्परेचर इसका जो है, ट्रैक मोड इसमें आपको एक मिल जाता है। बाकी एवरेज दिखाता है, इस टाइम बाइक नहीं है, शोरूम में खड़ी है तो एवरेज नहीं दिखा रहा है। और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है आपको इसमें, सो वो मैं आप लोगों को एक ही बटन से ऑफ हो जाता है। सो ये ऊपर देख सकते हैं आप लोग, ट्रैक्शन कंट्रोल बंद हो चुका है और ऑफ लिख के आ रहा है, सो मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें बंद हो चुका है। बाकी इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है गाइस, जब आप रेव करते हैं तो यहाँ पर QS लिख के आता है, बिना क्लच के आप जो है बढ़िया से शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सब है गाइस। बाकी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, सो ब्लूटूथ से आप इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में और बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत देख सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं गाइस इस बाइक में। बाकी आपको साइड स्टैंड कट ऑफ मिल जाता है इस बाइक में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो साइड स्टैंड कट ऑफ से ये है गाइस कि अगर आप बाइक मतलब स्टैंड लगा हुआ स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती है, मतलब गियर में अगर होगी तो स्टार्ट नहीं होगी, तुरंत बंद हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है गाइस। और कई लोग कह रहे थे कि वर्जन 4 और इसमें मतलब क्या डिफरेंस है, तो गाइस खाली कलर स्कीम का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। प्राइस भी गाइस ऑलमोस्ट सेम है, प्राइस बाइक का ऑन रोड जो है 2,20,000 तक जा रही है। सो ये सब है गाइस। बाकी 18.4 BHP की पावर दे देती है, बाकी 14.2 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है इस बाइक में आपको, 45-50 KMPL का माइलेज दे देती है बाइक आराम से गाइस सिटी में, और 50+ देती है हाईवे पर। सो माइलेज के मामले में गाइस बाइक चैम्पियन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं।
और कोई मतलब इशू ज़्यादा नहीं है बाइक में। बाकी वाइट कलर का आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट में नीचे बताएं और शेयर करें मेरे साथ। बाकी और कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा होगा, डेमोनिक राइडर 32। सो ये सब गाइस आपको इस बाइक में मिलता है 220,000 में। 150 cc बाइक है गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 4-valve इंजन के साथ। सो बहुत ही अच्छी बाइक है गाइस, मतलब इस सेगमेंट में और कोई नहीं दे रहा है यहाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल 200,000 में आदमी 150 cc की गाड़ी खरीद रहा है सिर्फ इसीलिए। सबसे पहले तो गाइस लुक्स इस बाइक के आप लोग एक बार चेकआउट करें, कितने ज़बरदस्त आते हैं। बाकी गाइस फीचर इसमें एक नंबर मिलते हैं। सो ये सब है गाइस। और अगर बात कर लें और कुछ चीज़ों की तो गाइस इसमें जो है आपको 11 कुछ का जो है 2 liter का टैंक मिलता है। सो ये भी बहुत अच्छी बात है गाइस, क्योंकि एवरेज भी बाइक देती है और 11 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका, तो गाइस काफ़ी अच्छी कैपेसिटी देता है। आप आराम से 300-400 किलोमीटर तक जा सकते हैं एक बार फुल करा के बाइक। सो ये सब है गाइस इस बाइक के बारे में। बाकी एक बार मैं आप लोगों को इसकी एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सो गाइस इसमें VVA भी मिलता है आपको, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सो VVA की मदद से इसके चारों वॉल्व एक्टिवेट हो जाते हैं और गाड़ी एकदम रॉकेट की तरह भागती है, 200 सीसी की बाइकों को भी पीछे कर देती है। सो यही सब है गाइस। बाकी आप लोग यहां पर आ सकते हैं, RS मोटर्स पर बाइक्स देख सकते हैं। और आपको अगर किसी और स्टेट से हैं लखनऊ के अलावा तो गाइस अपने नियर बाई शोरूम में जाके चेक कर सकते हैं क्या प्राइस चल रहा है। बाकी लखनऊ में मैंने आप लोगों को बता दिया 220,000 ऑन रोड प्राइस है इस बाइक का। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं गाइस, या इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। मिलूँगा आपको किसी ऐसी बेहतरीन सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सिया, गुड बाय।